हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल आईटेक वर्ल्ड एकेटिव। आज के वीडियो लेक्चर में अपनी यूनिट नंबर 5 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा को कंप्लीट कर रहे हैं। ओवरऑल हमारा लेक्चर नंबर 40 है। ऊप्स विद जावा टोटल सब्जेक्ट का सिलेबस हमने 40 लेक्चर में कवर किया है। एंड इस वीडियो में हम लास्ट के अपने टॉपिक्स पाथ वेरिएबल, रिक्वेस्ट पैरामीटर्स एंड बिल्ड वेब एप्लीकेशन इनको कवर करेंगे। बाकी हमने गेट पोस्ट पुट डिलीट एपीआई रेस्टफुल वेब सर्विसेज जब पढ़ा था तब इनको कवर कर लिया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पाथ वेरिएबल के। तो पाथ वेरिएबल इन स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट हम फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं, उसमें एक टर्म आता है पाथ वेरिएबल, वो क्या होता है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है और हो सकता है 7 मार्क्स में ही पूछ ले। तो पाथ वेरिएबल कुछ नहीं है, एट द रेट पाथ वेरिएबल एक ऐसा एनोटेशन है जो कि यूज करा जाता है डेटा को रिट्रीव करने के लिए किसी भी URL पास से, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक URL होती है, जैसे कोई भी वेबसाइट है उसकी एक अपनी एक लिंक होगी, URL जिसको बोलते हैं, उससे डेटा को अचीव करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, फेच करने के लिए जो एनोटेशन यूज होती है उसको हम पाथ वेरिएबल एनोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यही आपकी डेफिनेशन बोल रही है, एक बार पढ़ लेते हैं। एट द रेट पाथ वेरिएबल एनोटेशन इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द URL पाथ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के पाथ से जो डेटा को रिट्रीव करना होता है वो पाथ वेरिएबल की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफाइनिंग प्लेस होल्डर इन द रिक्वेस्ट मैपिंग URL, जो हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं उसकी मैपिंग URL में प्लेस होल्डर होता है। अभी आप HTML भी अगर आपने पढ़ा हो या फिर अगर आप आगे वेब डेवलपमेंट में पढ़ेंगे तो उसमें भी हम फॉर्म्स क्रिएट करते टाइम प्लेस होल्डर्स लिखते हैं। प्लेस होल्डर्स माने अगर कोई वैल्यूज नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आपको प्लेस होल्डर्स दिखते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, उन प्लेस होल्डर्स को बाइंड कर सकते हैं किससे, टू मेथड पैरामीटर्स अनोटेड विद एट द रेट पाथ पाथ वेरिएबल। ठीक है, तो उन प्लेस होल्डर्स को हम बाइंड कर सकते हैं, राइट। यही इसमें आगे लिखा हुआ है, यू कैन बाइंड दोस प्लेस होल्डर्स टू मेथड पैरामीटर्स एनोटेड विद एट द रेट पाथ वेरिएबल। ये क्या करता है, दिस विल अलाउ यू टू एक्सेस डायनामिक वैल्यूज फ्रॉम द URL एंड यूज देम इन योर कोड। तो बेसिकली पाथ वेरिएबल करता क्या है, प्लेस होल्डर्स की मदद से इनको बाइंड अप कर देता है, जिससे कि आप डायनामिक वैल्यूज किसी भी URL में से डायनामिक वैल्यूज जो उसकी रन टाइम वैल्यूज होती है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, उनको फेच करके रिट्रीव करके अपने कोड में हम उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट सिमिलर चीज इसमें आगे लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। तो ये एक हमारी क्या है, URL, URL लिंक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर लिंक है ये। ठीक है, तो ये सबकी यूनिक होती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लिखा रहता है, फिर जो आपका लोकल होस्ट है उसका नाम है, लोकल होस्ट का नंबर है, फिर यूजर्स है, फिर जो यहाँ पे 101 लिखा हुआ है, ये क्या है, ये है पाथ वेरिएबल, इसको बोलते हैं हम पाथ वेरिएबल। ठीक है, एक ऐसा नंबर होता है जो पाथ को बताता है कि पाथ कौन सा है हमारा। तो ठीक है, 101 क्या हो गया हमारा, पाथ वेरिएबल। ये इंपोर्टेंट है, अगर 7 मार्क्स में आएगा तो ये आपको URL बता करके इसको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। सेकेंड है अकाउंट टाइप करंट, टाइप में इसका करंट, करंट क्या होता है, रिक्वेस्ट पैरामीटर, किस तरह की रिक्वेस्ट को पैरामीटर कर रहे हैं हम। ठीक है, टाइप हो गया इसका करंट। फिर पूछा स्टेटस क्या है, स्टेटस एक्टिव है, नॉन एक्टिव है, करंट है, तो ये सारे आपके क्या हुए, पैरामीटर्स हुए रिक्वेस्ट के, किस तरह की रिक्वेस्ट हमें चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पाथ वेरिएबल के सिंटेक्स की तरफ। सिंटेक्स काफी इंपोर्टेंट है, 7 मार्क्स में आपको सिंटेक्स जरूर लिखना है। तो सिंटेक्स इसका बहुत आसान है, @ गेट मैपिंग यूजर्स आईडी अकाउंट पब्लिक लिस्ट अकाउंट गेट अकाउंट। अब ये जो पार्ट लिख रहा है यहाँ पे, पाथ वेरिएबल का एनोटेशन स्ट्रिंग आईडी, रिक्वेस्ट पैरामीटर का एनोटेशन स्ट्रिंग का टाइप, रिक्वेस्ट पैरामीटर का एनोटेशन स्ट्रिंग का स्टेटस। ठीक है, तो जो अब एड जो मैं अब इम्पोर्टेंट बात है, ये बात आप गेट इट करना ध्यान से, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो तो हमें एज इट इज लिखना है, क्योंकि ये क्या है, एनोटेशन है, लेकिन जो मैं बिल्कुल सर्कल में कर रहा हूँ वो हमें चेंज करके लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग आईडी यहाँ पे क्या है, 101 है, स्ट्रिंग टाइप क्या यहाँ पे, करंट है, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप क्या है, एक्टिव है, स्ट्रिंग स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये यूजर्स की स्ट्रिंग आईडी है, ये टाइप है, ये स्टेटस है। तो यहाँ पे हम जिस चीज की भी लिखना चाहते हैं पाथ वेरिएबल उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये इसका सिंटेक्स, ये इसका सिंटेक्स है। आगे हम मूव करते हैं,
यूजिंग पाथ वेरिएबल। हम पाथ वेरिएबल को यूज क्यों करते हैं? सिंपल सी बात है, पाथ वेरिएबल एनोटेशंस को हम डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब जैसे डेटा क्या था यहाँ पे, यूजर्स डेटा था, टाइप डेटा था, स्टेटस डेटा था, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। और बेसिकली हमें अलाउ क्या करता है, ये हमें अलाउ करता है प्लेस होल्डर्स को डिफाइन करने के लिए हमारी रिक्वेस्ट मैपिंग यूआरएल में, और उनको बाइंड करता है किससे, मेथड पैरामीटर से। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट छोटा सा टर्म आता है, रिक्वेस्ट पैरामीटर और पाथ वेरिएबल। पाथ वेरिएबल हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद आता है रिक्वेस्ट पैरामीटर। रिक्वेस्ट पैरामीटर क्या है? ये एक ऐसी एनोटेशंस है जो कि यूज करी जाती है किसको, क्वेरी पैरामीटर वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए, किससे, रिक्वेस्ट के द्वारा। और पाथ वेरिएबल क्या, पाथ वेरिएबल हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या करता है, पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है यूआरएल से। ठीक है, अब एक छोटा सा डिफरेंस है रिक्वेस्ट पैरामीटर का और पाथ वेरिएबल का। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जिनके बेसिस पर डिफरेंस करा गया, फीचर्स हैं। तो रिक्वेस्ट पैरामीटर किस लिए यूज होता है, क्वेरी के लिए, ये पाथ वेरिएबल्स के लिए। मैपिंग क्या होती है, इनको मैप करते हैं, मैप टू रिक्वेस्ट पैरामीटर विद मैचिंग नेम, इसको हम मैप करते हैं यूआरआई टेम्पलेट वेरिएबल से। सिमिलरली यहाँ पे पोजिशंस क्या होती है, ये कहीं भी प्लेस करा जा सकता है, ये डायरेक्टली मेथड पैरामीटर पर प्लेस होता है। सिमिलरली इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये ऑप्शन होता है और रिक्वायरमेंट भी होता है। ठीक है, ये पाथ वेरिएबल हमेशा रिक्वायरमेंट होता है। बाइंडिंग क्या होता है, इसमें ऑप्शनल बाइंडिंग होती है कोई भी डिफॉल्ट वैल्यूज के लिए अगर नहीं प्रेजेंट है, और ये क्या करता है, डायरेक्टली यूआरआई से टेम्पलेट वेरिएबल को बाइंड करता है। यूआरएल इनकोडिंग क्या होता है, ये स्पेशल कैरेक्टर्स को रिक्वायर्ड करता है पैरामीटर वैल्यूज को इनकोड करने के लिए, ये ऑटोमेटिकली डिकोड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इनके सिंटेक्स के एग्जाम्पल दिए गए, अगर ये डिफरेंस आएगा 2 मार्क्स में तो आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब 7 मार्क्स में आया तो आपको 7 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, 7 मार्क्स के लिए। अब मूव करते हैं अपने लास्ट टॉपिक, बिल्ड वेब एप्लीकेशंस की तरफ। ठीक है, तो जावा क्या है, बिल्ड वेब एप्लीकेशन मतलब वेब माने वेब एप्लीकेशंस बनाना। वेब एप्लीकेशन में बता दूं पहले क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक्सेस थ्रू अ वेब ब्राउजर। हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाते हैं जो वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें ओला उबर का ऐप चलाना है लेकिन हमें अपने फोन में इंस्टॉल नहीं करना, तो हम जैसे ही गूगल पे डालेंगे ओला, तो हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जो एप्लीकेशन की तरह काम करता है, लेकिन वेबसाइट वेब पे काम करेगा, ब्राउजर पे काम करेगा। ठीक है, वो हुआ हमारा क्या, वेब एप्लीकेशन। यानी कि जो हम इनपुट लेना चाहेंगे, जिस तरह से आउट इनपुट देंगे उस तरह से आउटपुट आएगा। लेकिन वेबसाइट क्या होती है, हमें इनपुट वो नहीं देते हैं, उस पर इनपुट जैसा उसका फीचर होता है, जैसा उसका इंटरफेस होता है, वैसा ही आता है। ठीक है, तो वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। वेबसाइट माने जैसे उसका इंटरफेस होगा हमें वैसा ही दिखेगा, हम उसमें कुछ इनपुट नहीं दे सकते, आउटपुट नहीं ले सकते, सिर्फ आउटपुट ले सकते, इनपुट नहीं दे सकते। व्हाइल ऑन दी अदर हैंड वेब एप्लीकेशन पे क्या करेंगे, हम वेब एप्लीकेशन पे हमको इनपुट भी दे सकते हैं, यूजर इनपुटेड डाटा, और उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हो गया वेब एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसको हम बिल्ड कैसे करते हैं, देखो जावा एक मोस्ट यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम डायनामिक वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो वेब ब्राउजर को यूटिलाइज करके अपने टेक्नोलॉजीज को परफॉर्म करता है ओवर द इंटरनेट, एंड वेब एप्लीकेशन इज डिप्लॉयड ऑन अ वेब सर्वर, एक वेब सर्वर के ऊपर चलता है। ठीक है, जावा कुछ टेक्नोलॉजीज को प्रोवाइड करता है जैसे कि सर्वलेट जेएसपी, जो क्या करती है, जेएसपी यानी जावा सर्वलेट प्रोग्राम, ये करती क्या है, ये हमें अलाउ करती है हम एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए एज वेल एज डिप्लॉय करने के लिए, किस पे, वेब एप्लीकेशंस पे, वेब एप्लीकेशन के सर्वर पर इजीली। ये कुछ फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करती है जैसे कि स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट जो हम पढ़ रहे हैं, ये करते क्या है, हमारे काम को और आसान कर देते हैं, वेब एप्लीकेशन को इफिशियंट वे में डेवलप कर देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो डेवलपर्स के एफर्ट होते हैं उसको भी रिड्यूस कर देते हैं। साथ ही साथ वेबसाइट बनाने के लिए तो हमें पता है HTML, CSS, JavaScript हम यूज करते हैं। ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होता है, अब आप समझ गए होंगे। सिमिलरली इसकी डेफिनेशन है वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट, इसके आप डिफरेंस देख लेना सिंपल सा। उसके बाद लास्ट इसमें एक छोटा सा टॉपिक है 2 मार्क्स का, बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन विद स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट की मदद से हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, स्प्रिंग बूट की मदद से हमें एमवीसी फॉलो करना पड़ता है। एमवीसी माने मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या है, एक ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जो एमवीसी पर परफॉर्म होती है, एक आर्किटेक्चर है। अगर बहुत प्रिसाइसली बोलूं तो यहाँ पे एमवीसी की डेफिनेशन है, एमवीसी इज एन आर्किटेक्चर
दैट सेपरेट वेरियस कंपोनेंट ऑफ एप्लीकेशन लाइक द इनपुट लॉजिक, बिजनेस लॉजिक, यूआई लॉजिक। तो हम जितने भी लॉजिक्स लगाते हैं किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए, तो एमवीसी कैसा आर्किटेक्चर है जो उनको सेपरेट कर देता है, ठीक है। और एक बात इंपॉर्टेंट, द व्यूज एंड द मॉडल्स डोंट इंटरेक्ट विद ईच अदर, द कंट्रोलर रिसीव द रिक्वेस्ट फ्रॉम द व्यू, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं ये करता क्या है, ये हमारा व्यू है, ये कंट्रोलर है, ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते। व्यूज को यूजर देखता है, यूजर उसको यूज करके कंट्रोलर को देता है, मॉडल क्या करता है व्यूज को अपडेट करता है, और कंट्रोलर क्या करता है मॉडल को मैनिपुलेट करता है। तो ये एक एमवीसी आर्किटेक्चर है, काफी इंपोर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछ सकता है एमवीसी आर्किटेक्चर आपसे, ठीक है। उसके साथ साथ जो हमें स्प्रिंग इनिशियलाइज़र पढ़ा था, ये उसका वर्क है बेसिकली, हमें वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए स्प्रिंग बूट में स्प्रिंग इनिशियलाइज़र होता है, स्प्रिंग इनिशियलाइज़र उसको हम यूज करते हैं, जिसमें हम प्रोजेक्ट टाइप यूज करते हैं, हम कौन सी डिपेंडेंसी यूज कर रहे हैं, मेवन, ग्रेडल, फिर लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं, जावा, कोटलिन, फिर स्प्रिंग बूट का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, फिर हमारे प्रोजेक्ट के मेटा डेटा क्या है, हमारा ग्रुप क्या, आर्टिफैक्ट क्या, नेम क्या, डिस्क्रिप्शन क्या। तो ये वाला डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डिपेंडेंसीज है, यहाँ पे जनरेट है, यहाँ पे एक्सप्लोर है, यहाँ पे शेयर है, तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप देख सकते हो। अब आपके इसी के साथ यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो गई। एट द एंड मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, एट द एंड योर टास्क इज आप कोशिश करो एक वेब एप्लीकेशन को बिल्ड करने की, किसकी मदद से, जावा और स्प्रिंग की मदद से। फॉर एग्जाम्पल कोई भी टू डू लिस्ट बना के देखो, कैलकुलेटर बना के देखो, आप यूट्यूब पर इनको सर्च कर सकते हो, गिटहब पर इनको सर्च कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे, अभी एग्जाम आपके बिल्कुल सर पर नहीं है, तो आप चाहो तो इनको बना करके देख सकते हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। बस लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को लाइक करो। साथ के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वन शॉट वीडियोस भी अवेलेबल हैं इस सब्जेक्ट की, वहां से जाके उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड प्लीज कोई डाउट हो तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों से शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।